सो मैं आ गई हूँ लौट के फिर से एक नया हॉरर चैलेंज लेके, जिसका नाम है ब्लडी मैरी चैलेंज या ब्लडी मैरी रेड रेड। सो मेरा ड्रेसअप भी वैसे ही है, रेड एंड रेड और रेड रेड। तो आज का जो चैलेंज है वो है ब्लडी मैरी चैलेंज, जैसे कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है हॉरर चैलेंज, और मैंने रिसेंटली 2 हॉरर चैलेंजेस किए हुए हैं। तो जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले, मैं लिंक दे दूंगी। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना तैयार केवल वीडियो के लिए हुई हूँ, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी आज ही टकाटक ज्वाइन किया है। सो 3 बजे तक मुझे जगना था, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, अपना टाइम पास कैसे करूँ, तो कुछ वीडियोज़ ही बना ली, तो इसलिए मैं इतना तैयार होगी। एंड साथ में मुझे ये वीडियो तो शूट करना ही था। सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत होगी बकवास करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है ब्लडी मैरी चैलेंज। सो मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टोरी बता देती हूँ कि आखिर ये ब्लडी मैरी चैलेंज क्यों है, कैसा है, क्या किया जाता है इसमें। सो ब्लडी मैरी चैलेंज सबसे पहले एक स्टोरी है उसके ऊपर कि एक मैंने जो सुना है, जो वीडियोस देखी है उसमें यही है कि एक मैरी नाम की लेडी थी जिसे अपनी जवानी बहुत प्यारी थी और वो लोगों के खून से नहाती थी ताकि वो जवान रहे, सुंदर दिखे। और ये भी कहा जाता है वो सैतान की पूजा करती थी इसलिए। और वो जब भी प्रेगनेंट होती थी तो जब वो डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर उसे कह देता था कि यू आर नॉट प्रेगनेंट, मतलब ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार हुआ। तो उसे लगता था कि उसका बेबी किसी ने चुरा लिया है, और उसे बार बार ये लगने लगा कि अब कोई मेरा बेबी जानबूझ के चुरा रहा है। तो उसे गुस्सा आने लगा और उस गुस्से में वो लोगों की जान लेने लगी, उनको मारने लगी। तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो अपनी बेबी की जो उसकी आखिरी इच्छा थी माँ बनने की अपने बेबी की, तो वो अधूरी रह गई, जिसकी वजह से वो भटकती है। और आप जब कैंडल जला के उसे शीशे में बुलाते हो, 3 बार बोलते हो ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी, तो वो आप लोग को दिखाई देती है और आंखों से खून निकलता हुआ, मतलब ऐसा कुछ दिखाई देता है। और अगर आप एक बार नहीं होता तो ये 3 राउंड में होता है ये चैलेंज, तो जो दूसरा राउंड है उसमें आपको 13 बार ये कहना पड़ता है, क्योंकि 13 एक लकी नंबर है। तो बोलते हैं इसको 13 बार बोलने पर ये दिखाई देती है। और तब भी नहीं होता तो लास्ट तीसरा जो स्टेज है, जो बहुत ही डेंजरस स्टेज है, वो है आपको उसे बोलना पड़ता है ब्लडी मैरी आई स्टूडियो बेबी। सो आप लोग जानते हो जैसे कि मैंने स्टोरी बताया, वो अपनी बेबी के लिए तड़पती है, और जब कोई ऐसा बोलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसका कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करती है। सो सबसे पहले गाइस इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा, बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा, ये मेरी तरफ से कंसर्न है आप लोगों के लिए, मेरी तरफ से आप लोगों को एक एडवाइस है। सो मैं तो करने वाली हूँ क्योंकि मैंने मुझे चैलेंजेस करने हैं और मैंने आज ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। सो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का चैलेंज। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, थोड़ा सा डर लग रहा है पर प्लीज़ आप लोग मेरे साथ होना। सो गाइस टाइम हो गया है और आप ये देख रहे होंगे 2:55 हो रहा है रात का, 2:55। चलिए और मेरी यहाँ पर जल्दी भी तैयार है, चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो, वहाँ तक जाने में 5 मिनट लगे चलिए। सो गाइस यहाँ सब जगह अंधेरा है और मैं आ गई हूँ शीशे के पास, और धड़कन बहुत तेज हो गई है, मुझे डर लगने लगा है क्योंकि ये सब सोच सोच के मेरी जान निकल गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 बज के आए। गाइस एक बार तो कुछ नहीं हुआ, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। फर्स्ट राउंड में तो कुछ नहीं हुआ, अब सेकेंड राउंड की बारी है, तो हम 13 बार करने वाले हैं, प्लीज प्रे फॉर मी।
गाइस मेरे 13 बार किया पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ अभी, बस डर लग रहा है और मेरे हाथ पैर भी बहुत जोर से कांप रहे हैं। तो ऐसा कुछ दिखा नहीं पर फील हो रहा है बड़ा अजीब सा, बहुत डर लग रहा है। इसमें मैं करना नहीं चाह रही थी, मुझे लग रहा था कहीं कर कुछ हो जाए तो मुझे हिस्सा वाला नहीं करना पड़े, बट फाइनली 2 स्टेप्स हो चुके हैं और 2 स्टेप्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो अब मुझे 3rd स्टेप करना ही पड़ेगा। तो गाइस अब 3rd स्टेप है और अब मैं इसे बोलने वाली हूँ वो जो मैं नहीं बोलना चाह रही थी, वही मुझे बोलना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी तो कुछ नहीं हुआ, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, तो मुझे डर बहुत लग रहा है। चैलेंज तो ख़त्म हो गया बट जो मेरा रिजल्ट रहा हुआ तो ऐसा कुछ नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरा हाथ पैर बहुत कांप रहे थे और जो भी अजीब अजीब सा फील हो रहा था। एंड सबसे अजीब जो हुआ वो ये था कि मेरे पैर अचानक से दर्द करने लगे, अभी तक बिल्कुल ठीक थे। और जैसे मैंने वीडियो ख़त्म हुआ और मैं जैसे भी बाबा करके वापस आ रही थी, तो जैसे ही मैंने अपना सारा पैकेज समेटा रखा और तब मुझे अचानक से फील हुआ यार मेरे पैर अचानक से इतने दर्द क्यों होने लगे, आई डोंट नो। मैंने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया है, मैंने कोई डांस भी नहीं किया आज, कोई डांस वीडियो भी शूट नहीं किया है, ना ही कोई डांस प्रैक्टिस की है, और अभी तक बिल्कुल ठीक थे आप मानोगे नहीं, और अचानक से मेरे पैर आई डोंट नो बहुत डर लग रहा है। अब तो मैंने इसलिए जल्दी से आके तब सबसे पहले मैंने लाइट खोली कि जो भी है भगवान बचाए। सो आई डोंट नो क्या है, पता नहीं, पर जो भी है मैंने तो कर दिया है। और अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, ओके, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।